मनहूस का साया पड़ गया पूरे घर पे। जाने अब कौन सा नया मुसीबत आने वाला है। हे गंगा मैया, सबका रक्षा करना, सबका रक्षा करना। अरे छोटके बउआ का बात अब समझ में आ रहा है हमको। जरूर ही चालाक लोमड़ी कुछ नया बवाल मचाने आई है। अंशुमन जी, आप तो तुरंत ही वापस आ गए। मुझे तो लग रहा था कि आप सुमन को हवेली तक छोड़कर आएंगे, मगर आपके इन कपड़ों के साथ साइकिल पर जाना उसे मंजूर नहीं होगा। नहीं आरती, छोटी को तैयार कर दे, क्लिनिक लेके जाना है, कुछ टेस्ट करवाने। ये परिवार, ये रिश्ते, ये सब मैंने छीना है तुमसे। मुझसे मेरा सब कुछ तो तुमने छीना है, मिसेस सुमन रॉय। मत कहो हमें सुरभि मां। यहाँ कोई सुरभि मां नहीं है, यहाँ सिर्फ सुरभि मिथिलेश छा रहती है। लड़की इन सब लकड़ियों को इकट्ठा करके करना क्या चाहती है? बाबूजी, दीदी, वो सुमन भाभी वहाँ पर। ए, किसको भाभी बोला रे? किसको भाभी बोला? क्या रिश्ता है तेरा उससे? खबरदार, जो उस मनहूस का नाम लिया इस घर में दोबारा, तो अभी अभी घर शुद्ध किया है गंगा जल से हमने। अरे मुंह में दही जमा रखा है का? बता दो बात क्या है। जी वो लकड़ियां इकट्ठा कर रही है, पता नहीं क्या करना चाहती है, कुछ गड़बड़ जरूर है। आप सब चलिए। इसका ड्रामा ही खत्म नहीं होता है। चलिए। अरे ये सुमन क्या कर रही है, देखिए। हाय रे विधाता, देखिए देखिए देखिए, कहे थे अपना नाटक नाटंकी बंद करें, यही तो पूरा पिक्चर बनाने में तुली है। अरे का तमाशा लगा रखी हो तुम, का दिखाना चाहती हो, हम लोगों को का चैन से मरने भी नहीं दे सकती। सुमन, फोन आया है। आरती थी, बोली सुमन वहां हमारे घर के पास। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं अभी आ रहा हूँ। या अभी ये क्या नया तमाशा हुआ? क्या हुआ नंदन जी, हम शॉपिंग तो जा रहे हैं ना। आप सुमन को रोकती क्यों नहीं? पता नहीं कौन सा बुखार चढ़ा है उसके सर पर। जो भी बुखार चढ़ा है, जितनी जल्दी चढ़ा है ना, उतनी जल्दी उतर भी जाएगा। माँ, वो बेटा सुमन, तुम इतने समझदार हो, सयानी हो, फिर ये सब क्या लगा रखा है? बेटा सुन, हम तुमसे बात करते हैं, हमें बताओ तुम क्या चाहती हो, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा बेटा, लेकिन ये जिद छोड़ो। अगर कोई हमारी बात सुनने और मानने को तैयार है तो आप सब अभी के अभी हमारे साथ वापस हवेली चलिए। लेकिन सुमन, ये तो नहीं। पापा, आज हम भी देखना चाहते हैं कि एक माँ का प्यार उसकी बेटी की जिंदगी बचाता है या एक माँ की जिद उसकी बेटी को जलाकर राख कर देती है। भगवान करे आज ये सच में राख खाक सब हो जाए। अरे रुको,
मरने का इतना ही शौक है तो इंतजार किस बात का? काहे कि यहाँ पर ना किसी को तुम्हारे ऊपर तरस नहीं आएगा। नौटंकी कहें कि अरे छोड़िए हमें आपका जवाब मिल गया सुरभि माँ, और हमें आपका हर फैसला दिल से मंजूर है। लेकिन मरने से पहले हमारी एक आखिरी इच्छा है। जीते जी तो आपने हमें माफ नहीं किया, लेकिन मरने के बाद प्लीज हमें माफ कर दीजिएगा। जिस घर आप हमारी डोली लेकर आई थी, उसी घर से हमारी अस्थि भी ले जाइएगा, उसी हवेली से। और हमारा दिल जानता है कि हमारी सुरभि माँ अपनी सुमन के लिए इतना तो कर ही सकती है। हेलो, हाँ मिस्टर नंदन, मैं आप ही को फोन करने वाला था। वो एक्चुअली सुमन। हाँ मैं बताता हूँ डॉक्टर राजी, आपकी बीवी मिसेस सुमन रॉय हमारे घर के बाहर बहुत बड़ा तमाशा बनाकर खड़ी है, क्या आप देखने नहीं आएंगे? सुमन घर के बाहर तमाशा? हाँ बिल्कुल, आइए आइए, अपनी आंखों से तमाशा देखिए। मैं भेज रहा हूँ लोकेशन आपको। लेकिन रोको उसे। अंशुमन भैया सुमन को रोकिए प्लीज। मां मेरा हाथ छोड़िए, मेरा हाथ छोड़िए मां। सुमन नीचे उतरो, नीचे उतरो सुमन। पागल हो गई हो तुम, क्या कर रही थी ये सब? सुरभि माँ, हमें पता था कि आप जहां तुम्हारी कोई सुरभि मां नहीं रहती। ये जलती हुई लकड़ी लेकर क्या जताना चाहती हो तुम सुमन? इस आग में हम पिछले 2 साल से जल रहे हैं, हर रोज और
पर कितना इम्तिहान लोगी हमारा, हमारे और अंशुमन के मन में वो जो बेकार का जरा सा भी लगाव तुम्हारे लिए बाकी है ना, वो खत्म हो गया। चली जाओ यहां से, उस हवेली में हम कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं, समझी? लेकिन सुरभि मां, डॉक्टर साहब कह दीजिए इससे, हम सब यहां जिस हाल में हैं, साथ साथ हैं और बहुत खुश हैं। डॉक्टर राजीव ले जाइए इसे, इससे पहले कि हम कुछ और कर दें, आप इसे यहां से ले जाइए। सुमन, दुख मना रहे अंशुमन जी? वही जो आज वापस आपका साथ छोड़कर राजीव का हाथ थामे यहां से चल दी, उसके लिए? मैंने आज तक तुम्हारे किसी भी डिसीजन में इंटरफेयर नहीं किया सुमन, लेकिन आज जो हुआ वो क्या था? What was that? क्या कर क्या रही थी तुम? जिस परिवार की तुम माला जपती थकती नहीं, आज देख लिया ना उनका असली चेहरा, वहां तुम खुद को जलाने वाली थी। तुम्हारे प्यार और बलिदान की कद्र करना तो दूर, उन्होंने सबके सामने तुम्हारी बेइज्जती कर दी। आंखें खोलो सुमन और सच्चाई को देखो। आप बिल्कुल सही कह रही हैं महिमा आंटी, हमें खुद को नहीं जलाना चाहिए था, बल्कि हमें तो कुछ और जलाना चाहिए। ले लीजिए गरमा गरम चाय। हम उसके पीछे। अरे अंशुमन भी आप आ गए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म पराठा बना देती हूँ, खा के जाओ। हाँ अंशुमन बेटा, नाश्ता करके जाओ। अंशुमन जा, होश में आओ। अंशुमन जा, होश में आओ। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। अंशुमन जा, होश में आओ। अंशुमन जा, होश में आओ। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। मजदूर रखता जिंदाबाद, मजदूर रखता जिंदाबाद। क्या है अंशुमन बेटा? आप एक भी बोली नंदन, ये हमारे घर के बाहर वर्कर्स नारे क्यों लगा रहे हैं? क्या वर्कर्स घर के बाहर नारे लगा रहे हैं? ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन तो मुझे नहीं मिली। ये वर्कर्स ऐसे कैसे पहुंच सकते हैं घर के बाहर? बड़ी अजीब सी बात है। एक काम कीजिए, मैं अभी आ रहा हूँ बिकती वहां। हाँ अजीब तो है, चल कोई बात नहीं, मैं जाकर देखता हूँ बात क्या है। या भैया हम भी आते हैं। खेतारी आप छोटी सुमन का ध्यान रखना,
हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। अंशुमन जा, अंशुमन जा, अंशुमन जा। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। क्या बात है, आज मेरे नाम के नारे क्यों लगाए जा रहे हैं? आखिर हुआ क्या है? ये बात जानते हुए भी कि अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, फिर भी आप सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मिस्टर अंशुमन झा। सुमन, अब सब आप ही के हाथ में है मिस्टर अंशुमन झा। जो शेयर्स आपने हमारे नाम की थी वो अब हमारी नहीं रही, तो इन वर्कर्स की जितनी भी मांगे हैं, जितने भी डिमांड हैं, वो अब सब आपको ही पूरी करनी होगी। ललन, बंद करो ये सब। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, तुम इन पेपर्स को फाड़ो, फेंको या जलाओ, कुछ भी करो, ये शेयर्स तुम्हारे नाम पर ही रहेंगे। मेरा इनसे अब कुछ लेना देना नहीं। अरे ये क्या अंशुमन जी, इतनी प्यार से दिया गया तोहफा इतनी बेदिली से लौटा दिया। मुझे तो लगता है कि दिल तोड़ना यहाँ सबकी आदत सी बन गई है। संध्या, तुम्हें इस मामले में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। अरे अब आपकी बीवी आपके मैटर में नहीं पड़ेगी तो क्या कोई बाहर वाली पड़ेगी? संभल के सुनो। संध्या, जब दो लोगों के बीच कोई तीसरा आ जाता है ना, तो अक्सर सुपान और पैर दोनों ही फिसल जाते हैं। एक मिनट संध्या, अपने वहम को अपने तक ही रखो, उन शब्दों को गलत फहमियों में मत बदलो प्लीज। ओ मैडम जी, अपने लव स्टोरी के चक्कर में हमें मत उलझाइए। और क्यों, अंशुमन झा को मालिक की कुर्सी पे बैठाने में तुली हो? अरे जब वो नौकर बनने में खुश है तो रहने दो ना। अरे कहावत तो सुना है ना, कुत्ते को घी हजम नहीं होता है। मालिक मालिक होता है ललन, और जो इंसान मालिक की इज्जत नहीं करता, ऊपर वाला मालिक उन्हें कभी बरकत नहीं देता है। सुमन रॉय, तुम्हें तो ये क्या बदतमीजी है, एक लड़की के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं? अकल के घास चलने गई है तुम सबकी? पीछे हटो, हटो पीछे। लल्लन नाम है हमारा और तू पीछे हट जा। बहुत झेली तेरी ये बकवास, अब ये सब नहीं चलेगा। और याद रख, तू मालिक नहीं, हम जैसा एक नौकर है। नौकर उससे ज्यादा और कुछ नहीं, समझा? देखिए देखिए, जो लोग हमारे सामने सर उठा के नहीं खड़े हो पाते थे, आज सांप की तरह फन फैलाए खड़े हैं हमारे सामने। अरे बुड़बक, ये बकलोली करने से पहले याद रखो कि ऊपर वाले का लाठी में आवाज नहीं होता है। अब देख क्या रहा, पकड़ लो इसको। अंशुमन जी प्लीज छोड़िए। ये अब ठकुरी जाने किस घड़ी में वापस आई है, नया बखेड़ा साथ लाई है। अंशुमन जी आप ठीक हैं?
कीजिए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे एक औरत पर हाथ उठा, ये तेरे हक की लड़ाई? हाँ, तू मजदूर का हक खाता है। अंशुमन छोड़ दे बेटा, छोड़ो, हमारे बड़के बाबा को मारोगे? बड़के बाबा को मारोगे? बड़के बाबा को मारोगे? निकला अरदार, अगर छोड़िए ही नहीं। नहीं नहीं सर, बता रहे हैं तुमको, छोड़ दीजिए, क्या कर रहे हो? खड़े रहो, पीछे हटो, मत कीजिए शक्ति, छोड़ दीजिए, हटाओ, दूर रहो, ये हट, हटाओ तू, विद्या ठीक है? किसने कहा तुम लोगों को यहाँ आने के लिए? जब कल एक बार बात हो चुकी थी मिसेस सुमन रॉय से कि एक हफ्ते बाद वो अपना डिसीजन सुनाएंगी, तो यहाँ घर के बाहर नाटक करने की क्या जरूरत है? और क्या ये सब? अब मुझे कोई भी नहीं दिखना चाहिए यहाँ। चुप, निकल लो सबके सब। आउट सब।